दोस्तों भारतीय सेना ने अपने साहस और बहादुरी के दम पर हमें ना जाने कितनी ही बार गौरवान्वित महसूस कराया है। और भारतीय सेना के ही वीर सिपाही जब सीमा पर जगे होते हैं तभी शायद हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। और वैसे तो हमारे वीर जवानों ने ना जाने कितनी ही बार हमें खुशियां मनाने के मौके दिए हैं, लेकिन दोस्तों जवानों को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब वह कोई नया बैच हासिल करते हैं। हालांकि भारतीय सेना के अंदर बैच हासिल करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिन जवानों के पास सच्ची काबिलियत होती है उनके सीने पर नए नए बैच लगाए जाते हैं। और दोस्तों हाल ही के दिनों में जब महेंद्र सिंह धोनी बलिदान बैच वाले साइन को अपने ग्लव्स पर पहनकर खेलने उतरे थे तब ICC ने इस पर आपत्ति जताई थी। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो पहले ही बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आज हम बलिदान बैच की तरह ही और भी कई सारे बैचेस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे देश के वीर सैनिकों के सीने पर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है पैराट्रूपर्स बैच। दरअसल इस बैच को आप भारतीय जवानों के पॉकेट और नेम प्लेट के ऊपर देख सकते हैं। हालांकि यह बैच हासिल करना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि इसे अपने सीने पर सजाने के लिए पैराट्रूपर्स बेसिक कोर्स क्वालिफाई करना होता है, जिसमें कि जवानों को हवाई जहाज से कई बार जमीन पर सफलतापूर्वक कूदना होता है। और यह कोर्स इतना खतरनाक होता है कि इसमें जवानों की जान भी जा सकती है। लेकिन इन सभी कठिन परिस्थितियों को पार कर जो भी जवान क्वालिफाई करता है उसके सीने पर यह बैच लगा दिया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो बैच आता है वो है कॉम्बैट फ्री फॉल जंप बैच। यह बेसिकली गोल्डन कलर का बैच है जिसे कि सीने के बाएं पॉकेट के ऊपर पहना जाता है। हालांकि इसे हासिल करने के लिए कॉम्बैट फ्री फॉल कोर्स को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और इस कोर्स में लगभग 35,500 फीट की ऊंचाई से 50 बार छलांग लगानी पड़ती है। और इसमें दो टेक्निक्स भी सीखनी होती है, हाहो और हालो। HAHO यानी कि हाहो मतलब हाई अल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और HALO यानी कि हालो मतलब हाई अल्टीट्यूड लो ओपनिंग। और इस बैच को पाने के लिए सैनिकों को अपने साथ साथ युद्ध के समय में सारा जरूरी सामान भी ले जाना होता है जिसका वजन 40 किलो से भी ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों इसी तरह से होता है डाइविंग बैच। डाइविंग बैच बेसिकली उन जवानों को मिलता है जो कि अंडर वाटर ऑपरेशन में महारत हासिल करने की ट्रेनिंग लेते हैं। और दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों के स्टेमिना, स्ट्रेंथ और माइंडसेट की कड़ी परीक्षा ली जाती है। और फिर यहाँ पर पूरी तरह से क्वालिफाई करने के बाद से सैनिकों को यह बैच दे दिया जाता है। इसके अलावा टाइगर हिल बैच भी उन पैरा कमांडो जवानों के सीने पर देखा जा सकता है जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा करने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और दोस्तों इंडियन आर्मी शार्प शूटर बैच भारतीय सेना के निशानेबाजों के लिए है। और इस बैच को हासिल करने के लिए 40 में से 35 टारगेट पर सटीक निशाना लगाना होता है। और यह बैच जिन भी सैनिकों के पास होता है वह इंडिया के लिए ओलंपिक जैसे खेलों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में जो सबसे अंत में हमने बैच रखा है उसका नाम है कॉन्वर्टेड कमांडो डेजर बैच। यह बैच हासिल करने के लिए सैनिकों को शारीरिक रूप से ताकतवर होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी काफ़ी ताकतवर होना पड़ता है। और इसकी ट्रेनिंग कर्नाटक के बेलगाम में हमारे वीर जवान पूरी करते हैं। और फिर यहाँ से भी कुछ सैनिकों को हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल और जंगल वॉरफेयर स्कूल में भेजा जाता है। और दोस्तों इसी तरह से ही और भी कई सारे बैचेस होते हैं, इसे पाने के लिए हमारे भारत के वीर जवान जी जान लगा देते हैं। और शायद इन्हीं जानलेवा ट्रेनिंग की ही बदौलत भारतीय सैनिकों को दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी फोर्सेज में से एक माना जाता है। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जवानों के सीने पर सजे हुए इन बैचेस के बारे में यह जानकारियाँ आपको जरूर ही पसंद आई होंगी। और दोस्तों अब आप हमारी ऑफिशियल मर्चेंडाइज teesbucket.com से मोटिवेशनल और पेट्रियोटिक टी शर्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। और खासकर लाइव हिंदी के सब्सक्राइबर्स के लिए LH100 कूपन अप्लाई करने पर ₹100 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।